बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पीपीएससी की तैयारी का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहला एमसीक्यूज पेपर जो 2011 में हुआ था वो उसकी तफसील आपको मैंने बताई। 2011 के बाद ये लेक्चरशिप का टेस्ट 2015 में हुआ, इसमें भी 100 एमसीक्यूज थे। अब मैं आपको इसकी तफसील बताने लगा। सबसे पहले हम दोबारा से अपने जो मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट थे उनकी ग्रुपिंग में आपको कराने लगा। आपको याद है कि मैंने 6 ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया था 2011 के पेपर को। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनमें से 5 ग्रुप एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के कोर्स में से है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में से। तो मैं आपको ये कायल करना चाह रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम पेपर एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसमें से आ रहा है। तो हमारे लिए ये ग्रुपिंग इस तरह से है कि नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, इसे हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे अलजेब्रा का। नंबर 2 रियल एनालिसिस, इसमें रियल एनालिसिस 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें कैलकुलस आ जाएगा। कैलकुलस में एफबीएससी लेवल का रेफरेंसी ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तीसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री। चौथे नंबर पे वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स। पाँचवें पे टोपोलॉजी एंड फंक्शनल। ये 5 मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 1 का सिलेबस है। इसके बाद अदर सब्जेक्ट जिसमें हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, मैथमेटिकल मेथड में से, नंबर थ्योरी में से। अब मैं आपको बताता हूँ इस पेपर के बारे में, 2015 के पेपर में इन ग्रुप में से कितने क्वेश्चन आए। 2015 में एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा में से 24 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 4th पार्ट ऑफ द पेपर। रियल एनालिसिस और कैलकुलस में से 23, दिस इज ऑलमोस्ट अगेन ऑलमोस्ट 4th पार्ट। तो आप देखिए अलजेब्रा और एनालिसिस को अगर मिलाया जाए तो ये आपके पेपर का 50% बन जाता है। कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री 12, वेक्टर एनालिसिस एंड मैकेनिक्स 13, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल 14। आप इनकी रेशो देखें ऑलमोस्ट सेम है इन तीन पेपर की। अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूड 14 एमसीक्यूज। इसे अब आप, मैं आपको चार्ट की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आप देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो अलजेब्रा में से हैं और उसके बाद रियल में से ऑलमोस्ट उतने हैं। फिर बाकी आप देखें हमारी 4 क्लासिफिकेशन जो है उन सब में से ऑलमोस्ट 13% एक एवरेज के हिसाब से उनमें से आ रहे हैं। फिर दूसरी ग्रुपिंग हमने ये बनाई अनदर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें प्योर मैथ में हमारे पास हम अलजेब्रा और टोपोलॉजी को अपने लिए प्योर मैथमेटिक्स कहेंगे, और जब एनालिसिस कहेंगे तो उसमें हमारी मुराद हो जाएगी रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल। अप्लाइड कहेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी और अदर सब्जेक्ट जो हमने डाले हैं वो आ जाएंगे। तो ये 3 ग्रुपिंग अगर हम इस पेपर की करें तो इस हिसाब से हम देखें तो मैं आपको बताता हूँ कितने एमसीक्यूज इनमें से आए थे। नंबर 1 प्योर मैथमेटिक्स 32% पेपर था प्योर मैथमेटिक्स। एनालिसिस 37% पेपर था एनालिसिस। अप्लाइड मैथमेटिक्स 31%। तो आप देख लें कि ये काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है इन तीनों का, काफ़ी अच्छा काफ़ी बैलेंस पेपर था ये सवाल। आप ग्राफ की मदद से देख लें कि ये ऑलमोस्ट बैलेंस लग रहा है हमें। एनालिसिस में से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम कि ये बैलेंस्ड है। अच्छा, फिर इसी तरह से आप ये पाई चार्ट की मदद से देख लें, ऑलमोस्ट आपको बैलेंस नज़र आ रहा होगा। अब डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। अलजेब्रा में से ग्रुप थ्योरी 13 एमसीक्यूज, रिंग 5 एमसीक्यूज, फील्ड 1 एमसीक्यू, वेक्टर स्पेसेस 5 एमसीक्यूज, मैट्रिसेस एंड आइगन वैल्यूज। 2011 के पेपर में तो इनमें से 4 एमसीक्यूज आए थे, यहाँ पे इनमें से कोई एमसीक्यू नहीं आया। आप चाहें तो मैट्रिसेस और आइगन वैल्यूज को वेक्टर स्पेसेस में भी शामिल कर सकते हैं। टोटल ये 24 अलजेब्रा के पूरे होते हैं। रियल एनालिसिस और कैलकुलस, यहाँ मैं ये कहता चलूंगी कि बड़ा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात कि आप रियल का क्वेश्चन अलग करें और कैलकुलस का अलग करें, और ये 23 मार्क्स हैं इसके। मैंने बड़े एहतियात से हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके एमसीक्यूज अलग किए हैं। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हो सकता है आपकी नज़र में किसी और सब्जेक्ट में भी हों, तो मैंने कोशिश की है कि वो जिस बुक को फॉलो किया जा रहा था उस बुक के हिसाब से वो किस सब्जेक्ट में आते हैं, तो वो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन उस सेंस में किए हुए। कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 8, डिफरेंशियल ज्योमेट्री 4, टोटल 12, वेक्टर एनालिसिस 10, टेंसर नो क्वेश्चन फ्रॉम टेंसर इन 2015, मैकेनिक्स 13, सो टोटल मैकेनिक्स 3, सो टोटल 13, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस टोपोलॉजी 8, मैट्रिक्स स्पेसेस 6, नो क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस। आप नोट कर सकते हैं कि 2011 में भी नॉर्म स्पेस या इनर प्रोडक्ट स्पेस में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, सो टोटल 14। बाज यूनिवर्सिटीज में, बल्कि शायद अक्सर यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कंपलसरी कोर्स के तौर पे पार्ट वन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें से देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस 5, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस 0। तो ये आप देखें 2011 के पेपर में भी ओडीज में से आया था, पीडीज में से नहीं आया, टोटल 5। स्टैटिस्टिक्स परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस में से इस बार नहीं आया, 2011 में कॉम्बिनेशन जैसे भी आया था। स्टैटिस्टिक्स में से जस्ट प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चंस थे, सो टोटल इज 3। अदर सब्जेक्ट इंक्लूड ट्रिग्नोमेट्री 4 क्वेश्चंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एफएससी लेवल की, मैथमेटिकल मेथड 1 क्वेश्चन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगेन 1 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अब आप इसको डिटेल से देख लें इन चीज़ों को, किन पेपर किन सब्जेक्ट में से पेपर आ रहा है, किन में से नहीं आ रहा है, किस रेशो में आ रहा है। और नेक्स्ट मेरे लेक्चर में मैं आपको 2011 और 15 के पेपर में कंप्लीट कंपैरिजन दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।